देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज पोर्टल। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो ना तो किसी ने अस्तीफा मंगया है ते ना ही उन्हां दी प्रधानगी नूं लै के पार्टी विच कोई विवाद है। उक्त शब्दों का प्रगटावा श्री आनंदपुर साहिब तो लोग सभा मैंबर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने गुरद्वारा श्री भट्ठा साहिब विखे पार्टी वर्करां नाल एक मीटिंग लैण उपरंत पत्रकारां नाल विशेष गलबात दौरान किया। चंदू माजरा ने यह भी कहा कि पार्टी अपनी समझदारी करके सारे संकटों विचों निकल जाएगी। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सब गल्लां प्रेस वाले कढ़वाते ने, ना उन्होंने लोड़ सी यह कहण दी, ना उन्होंने किसी ने अस्तीफे की मांग की है। उन्होंने भावें अस्तीफे की पेशकश की पर मैं समझता किसी ने ना अस्तीफा मंगया। हर बंदे की पार्टी के जे किसी ने अपनी कोई गल कही सुखबीर सिंह बादल ने उस गल का स्वागत किया। तो उन्होंने होर भी कहा भी सारे आगू सन्मानयोग ने, सारे आगुआ की पार्टी के किसी ना किसी समय की सेवा जी असं सत्कार करते हैं और अगे ले भी पार्टी उन्होंने सेवावान लेंदी रहेगी। ये सुखबीर सिंह बादल ने गल कही है और मैं समझदा एज ए प्रेजिडेंट उन्होंने कहनी बनती सी, जो कही है तो अच्छी गल कही है। बाकी पार्टी प्रधान बारे तो कदे कोई विवाद खड़ा ही नहीं होया ना कोई। मैं कहना भी सारा कुछ बड़े मतलब एमीकेबली सुलझाया जा रहा और पार्टी जी ये सारे संकट के बीचों बड़े मतलब अपनी सोच मुताबक और अपने सिद्धांत के पहरेदारी मुताबक और आने वाले समय में जिम्मेवारी बाखूबी निभा सारे संकट के बीचों निकलेगी। भारत सरकार वालों गणतंत्र दिवस लिए अमरीका के राष्ट्रपति नूं भेजे सद्दा पत्र नूं ट्रंप वालों ठुकराउण संबंधी पुछे सवाल ते सांसद चंदू माजरा ने कहा कि डोनल्ड ट्रंप का ना आना मंदभागी गल है। उन्होंने कहा कि भारत की वध रही ताकत नूं देख अमरीका खार खा रहा है। देखो डोनल्ड ट्रंप दे ना आना मतलब मदभागी गल है पर उन्होंने कई रुझेवे भी हो सकते हैं, कोई होर कारण भी हो सकते हैं। ये शब्दावली का ही फर्क है मैं समझदा। तो ये जरूरी नहीं होंगे भी इनविटेशन जो कोई देश दिता किसी दूजे देश के मुखी नूं वो जरूर आ सके। तो मैं समझदा कि अज दुनिया के जिहड़ी एक पोलराइजेशन हो रही है वो नवीं हो रही है। नवी पोलराइजेशन दे विच कई देश दुनिया के बहुत जड़े तकड़े देश ने अमरीका वर्गे वो हिंदुस्तान नाल किते ना किते खार खानी शुरू कर रहे ने। सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कैबिनेट मंत्री ते लगे गंभीर दोषां दे मामले विच जो कांग्रेस प्रधान आशा कुमारी दी गैर जिम्मेवारा बयान दिता है ये बहुत ही मंदभागा है। उन्हें कैप्टन दे व्यंग कसदे कहा कि जैसा राज वैसी प्रजा, जिहो जी कोको ओह दे कोको दे बच्चे। चंदू माजरा ने कहा कि कैप्टन साहब एहो जिहे मामले हल करन दे माहर हन। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों स्कूल दियां किताबां विच सिख इतिहास संबंधी कीते फेरबदल संबंधी सांसद चंदू माजरा ने कहा कि कांग्रेस ने यह बहुत वड्डा गुनाह किया है। उन्होंने कहा कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी टैंकों अते फौजां दे नाल भी नहीं कर रही, अज दिल्ली की कांग्रेस पंजाब की कांग्रेस सरकार राही सिख इतिहास नूं मिटाउण दी घटिया कोशिश कर रही है, जिस नूं सिख कौम वालों किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इतिहास को डिस्टॉर्शन करने की डीप कॉन्सपीरेसी है और मैं समझता कि 1984 के भारतीय फौज के हमले नाल भी बहुत खतरनाक गल है। जिहड़ा काम श्रीमती इंदिरा गांधी फौजा नाल टैंकों नाल नहीं कर सकी, अज वह कृष्ण कुमार राही पंजाब की सरकार राही दिल्ली वाले ये साडा इतिहास मिटाउण का यतन कर रहे हैं। साडे गुरु साहिबान दीआं शहादतां नूं गलत रंगत दे रहे ने, साडे महान विरसे ते पछोकड़ नूं गलत रंगत दे रहे ने। एक बहुत खतरनाक खेड कांग्रेस पार्टी की सरकार खेड रही है और खालसा पंथ नूं एक चुनौती दे तौर ते मानता होया इस खतरनाक खेड नूं बुरी तरह फेल करेगा। इतिहास दा बड़ी वड्डी साजिश क्योंकि सैकेंड टाइम हो गया। पहला सी कि सारा जिहड़ा सिलेबस है प्लस वन प्लस टू का उहदे विचों गुरुआं दा इतिहास पंजाब दा इतिहास कढ़ दित्ता गया सी। उदों वी असीं सरकार दे ध्यान दे विच लैंदा बड़ा इहदे ते उन्होंने मिस इनफॉर्मेशन जिहड़ी आ लुकण देण दी कोशिश कीती। अखीर ते सच्चाई स्वीकार करनी पई ते उह किताब दे उत्ते पाबंदी लगी, उह किताब हटाई। हुण मैं समझदा कि जिड्डा वड्डा अनर्थ इन्होंने किया इन्हों लफ्जां दे विच बयान नहीं किया जा सकता।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।